हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने इनेलो पर हमला बोलते हुए कहा है कि सिरसा में इनेलो का कोई गढ़ नहीं है, इनेलो का गढ़ ढह चुका है, इनके पास उम्मीदवार भी नहीं है। सिरसा कांग्रेस का गढ़ रहा है और आगे भी रहेगा। कांग्रेस सिरसा जिले में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और सिरसा की पांचों सीट कांग्रेस ही जीतेगी। उन्होंने बीजेपी के 75 पार के नारे को खोखला बताते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर और पूर्व मंत्री संपत सिंह समेत कई लोगों के पार्टी छोड़ने से कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि टिकट के चयन में 90 हलकों से 1200 लोगों के आवेदन आए थे, पार्टी ने सोच समझ कर टिकट दिए हैं। इसमें से काफी लोगों को टिकट नहीं मिल पाया है, लेकिन उन्हें कभी पार्टी ने नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने नए और अनुभवी चेहरों को देखते हुए एक नया मिश्रण जो है वो बनाया है। नुकसान की कोई बात नहीं होती। देखो, अब टिकट के चयन में अब हमने बताया भी था 1200 एप्लीकेशन आई थी हमारे पास, 90 सीटें हैं और 90 सीटों में भी कितने सिटिंग MLA हैं हमारे, तो बहुत कम लोग रह जाते हैं। और पार्टी को बहुत सी बातें देखकर सोचकर टिकट का वितरण करना पड़ता है। इसमें काफ़ी लोग जो उम्मीद लगाए हुए थे टिकट की, उनको पार्टी नहीं दे पाई टिकट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको नज़रअंदाज उस तरह से किया गया। पहले भी मौका दिया है पार्टी, तो कभी किसी को मिलता है हालात के मुताबिक, कभी किसी को मिलता है।